हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में फिर से हम लोग इसके मिथबस्टर्स को कंफर्म या बस्ट करने वाले हैं। तो हमारा पहला मिथ यह है कि हम जैसे ही नाइट मोड ऑन करते हैं हर जगह की लाइट जल जाती है हमारे घर को छोड़ के। तो यहाँ पर मैंने नाइट मोड ऑन कर लिया है गाइस, और आप देख सकते हो पहले तो बाकी घरों को देखो, एक एक घर की एक एक कमरे की लाइट जल रही है, लेकिन मेरे घर की एक बत्ती नहीं जल रही है। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम। ये ना इंसाफी क्यों? मतलब यहाँ पे लाइट चालू हो जाती तो बिजली का बिल ज्यादा आ जाता क्या? क्या होता क्या? क्योंकि एक लाइट नहीं है। आप पास से चल के भी देख लो, थोड़ा सा उजाला आ रहा है लेकिन ये रिफ्लेक्शन से आ रहा है, पीछे तक एक लाइट नहीं है गाइस। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ यह है कि स्विमिंग वाले ग्लिच को लगाकर अपनी जॉयस्टिक नीचे करोगे तो वो उड़ने लग जाएगा। तो इधर मैंने लगा दिया है स्विमिंग वाला ग्लिच, अब जॉयस्टिक को नीचे करता हूँ और कोई तो उड़ नहीं रहा है गाइस, क्योंकि ये तैर रहा है ना तो ये पीछे जाएगा, उड़ेगा कैसे ये, मुझे ये समझ नहीं आया। चीटिंग करता है तू। रैंप के ऊपर जाके देखें, क्या पता ऊपर से उड़ने लग जा रहे। उड़ रहा था यार थोड़ी दूर तक तो, लेकिन फिर ये रैंप पे चढ़ने लग गया। एक चीज हो सकती है, जैसे ही मैं रैंप को छोड़ दूं क्या पता ये वहीं से उड़ने लग जाए हवा में बिल्कुल हाइट पे। मस्त प्लान है। तो इससे नीचे नहीं जा रहा है, मैंने छोड़ दिया और हमारा ग्लिच ही डीएक्टिवेट हो गया गाइस। तो एक नई चीज मिल चुकी है कि डीएक्टिवेट कैसे करें, लेकिन उड़ने वाला जो मिथ है वो बस्टेड है। हमारा अगला मिथ यह है कि हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए बंदे को बंदूक से नहीं मार सकते। तो गाड़ियां तो काफी है, चलो ट्राई करते हैं पहले इस पे। तो ये आ रहा है, ये हेडशॉट मारा, नहीं लगी, ठीक है, कांच टूट गया और ये मुड़ गया है, मुझे कुछ पास से देखना पड़ेगा। तो इधर से एक गाड़ी आ रही है, मैं इसके सामने खड़े हो जाता हूँ और AKM निकालते हैं, स्नाइपर से कुछ नहीं होगा। ठीक है रेडी, ये देखो मैं पूरा मार रहा हूँ, नहीं लग रही, नहीं लग रही, चलो ये तो चला ही गया यार, लेकिन इसकी गाड़ी फटने वाली है। अरे वाह, एक बकरा तो यहीं बैठा हुआ है, इसको यहीं से पूरा चेक कर लेते हैं, इसी पे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। देखो एक गोली नहीं लग रही इसको, लेकिन इसकी गाड़ी जरूर फटने वाली है। तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि हम प्लेन को ठोकेंगे और चालू रखेंगे और उतरेंगे तो हमारा बंदा हवा में उड़ जाएगा। तो अब हमें ट्राई करनी है कि ये प्लेन उड़े नहीं, क्योंकि ये उड़ गया तो ठुकेगा नहीं, तो मुझे जमीन पे ही चला तो इसको बिल्डिंग में ठोकना है। चलो ठोक गया, अब मुझे इसके बाहर उतरना है। और ये इसकी मुंडी अटक गई जमीन के, पता नहीं कहाँ अटक गया ये प्लेन में और उड़ गया ऊपर। ये क्या हुआ यार, ये तो पूरा बिल्डिंग की हाइट पे ही आ गया था ऑलमोस्ट, लेकिन उतना ऊपर नहीं जा पाया, लेकिन सही में हमारा बंदा यार ऊपर उड़ गया था। चलो ये उठा और फिर उड़ गया, ये तो एक इन्फिनाइट लूप होल है यार, ये उड़ते जाएगा ऐसे। तो देखो ये फिर गिरा, फिर उठा और फिर उड़ गया। अरे बस कर भाई, ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर हम किसी भी गाड़ी की लाइट ऑन कर देते हैं और गाड़ी को छोड़ देते हैं तो अपने आप लाइट ऑफ हो जाएगी। तो गाड़ी में मैं बैठ चुका हूँ गाइस, नाइट मोड है और नाइट मोड में हमने लाइट ऑन कर लिए, चलते हैं पास में। ठीक है अब गाड़ी से उतरते हैं और आप ये देखो लाइट अपने आप ऑफ हो गई। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ यह है कि हम लोग रोल्स रॉयस मंगा कर पिस्तल लेते हैं और गन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, फिर हजार चीजें और क्लिक करते हैं तो पिस्तल से अजीब सी लाइट निकलेगी। छोटी बच्ची हो क्या? तो ये आ गई हमारी रोल्स रॉयस, ये मैंने निकाली पिस्तल, अब कुछ तो क्लिक करना था, मैं सब क्लिक करके देखता हूँ क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। गजब बेइज्जती है। तो शायद ऐसे गोलियां चलानी थी कहीं पे भी रैंडम फायर, फिर गेट खोल के ऐसे गोली चलाते हुए अंदर जाना था, फिर गेट के बाहर आना था और फिर हमें पिस्तल लेनी थी हाथ में और लाइट आ गई। तो ये लाइट इसलिए आ रही क्योंकि जो गोली है ना वो पिस्तल से बाहर निकल रही है गाइस, और इतनी ज़्यादा कूल लग रही ना ये, क्योंकि आप कहीं भी अंधेरे में जाओगे ना अलग ही लाइट चमकती हुई दिखेगी, और आधी जो निकली हुई है ना गोली उसका जो फायर इफेक्ट है वो बहुत कूल लग रहा है। तो इसलिए ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि हम लोग ट्रीज को प्लेन से नहीं तोड़ सकते। तो हो सकता है प्लेन बहुत धीरे जाता हो इसलिए पेड़ टूटता नहीं हो। ये मैं गया और सच में यार पेड़ तो टूटा ही नहीं, क्योंकि बाकी गाड़ियों से पेड़ टूट जाता है, लेकिन ओ यहाँ पे जैसी मैंने पीछे किया ना प्लेन को वैसी पेड़ निकल आया भाई, उखड़ आया। तो मतलब कि ये टूट जाता है गाइस, दूसरे पेड़ पे भी मार सकते हैं लेकिन ये कंट्रोल ही नहीं होगा, तो इसलिए ये मिथ बस्टेड है। हमारा अगला मिथ ये है कि हम लोग मून ग्रेविटी लगाकर ट्रक को बुलाते हैं और फिर किसी माउंटेन से ट्रक को उड़ा देते हैं तो वो फ्लाइंग ट्रक बन जाता है। तो मैं इसको उड़ाने वाला हूँ गाइस इस रैम से। अब ये ट्रक इतना भारी है कि ये नहीं उड़ना चाहिए, लेकिन पहली बात तो हमारा टेक ऑफ ही नहीं हो पाया, इस बार हो जाएगा। चलते हैं सीधा, ये आ गए रैम के ऊपर और ट्रक मैंने निकाल दी और अब ये नीचे जाना चाहिए,
लेकिन ये ऊपर जा रहा है गाइस, ये ऊपर जा रहा है, नीचे की तरफ नहीं जा रहा, देखो ऊपर की तरफ जा रहा है यार। मतलब ये थोड़ी देर के लिए तो आराम से उड़ जाएगा, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा देर के लिए उड़ चुका है ये। तो हमें हमारा फ्लाइंग ट्रक मिल चुका है गाइस, आप उड़ा सकते हो इसको ऐसी थोड़ा बहुत कहीं पे, तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अब अगर हम लोग सुबह के टाइम में गाड़ी में बैठेंगे फिर लाइट का बटन दबाएंगे तो ऑन नहीं होगा। तो हमने गाड़ी बुला ली गाइस, पहले तो हो जाती थी लेकिन अब नाइट मोड आ चुका है। तो इधर मैं ये देखो लाइट का ऑप्शन दबा रहा हूँ और सही में लाइट ऑन नहीं हो रही है। तो हम लोग बाइक में भी देखते हैं इसको, ये रही बाइक, इसमें बैठे और इसमें भी ऑन नहीं हो रही है, तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि हम लोग फायर ट्रक के ऊपर खड़े नहीं हो सकते। तो फायर ट्रक बुला ली हमने और इजी तरीका यही रहेगा कि हम लोग हेलीकॉप्टर से उड़ के इसके ऊपर लैंड करके फिर उतर जाएं इस पे। अब बस मुझे इसके ऊपर लैंड करना है बढ़िया तरीके से, ठीक है लेट गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उतरेगा तो ये वहीं पे। अरे यार नहीं, ये नीचे गिरा और थोड़ी सी साइड में गिर गया है, तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं जंप लगा के, शायद ये लेज ग्रैब कर ले, तो इसके पीछे से कूदता हूँ तो ज़्यादा एरिया मिलेगा गाइस, इतना डिस्टेंस सही रहेगा मेरे हिसाब से। ये मैं कूदा और यहीं गिर गया, इस बार पास से और कूदा और ये तो उसके यार पार ही निकल गया यार, इतनी दूर तो जाता नहीं है वैसे नॉर्मली। अब यही तरीका बेस्ट रहेगा गाइस, मैंने ना इस फायर ट्रक को रेलवे स्टेशन के बगल में खड़ा कर दिया है, अब मैं इसके ऊपर चढ़ूंगा और यहाँ से सीधा हम लोग उसके ऊपर कूद जाएंगे, तो फिर हमें पक्के में मालूम चल जाएगा मेरे नीचे ये फायर ट्रक। ये मैं गिरा फायर ट्रक पे बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन उसने मुझे नीचे फेंक दिया गाइस, जैसे ट्रेन पे होता है, डायनासोर पे होता है, तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि हम रात में RGB कार चलाते हैं तो फिर उसकी लाइट बहुत दूर जाती है। तो ये है नॉर्मल कार, ठीक है अब इसकी लाइट हम लोग इसी ग्राउंड पे देखेंगे क्योंकि इसके ग्राउंड में हमें दिख जाएगा कि लाइट कितनी दूर जा रही है। ठीक है लाइट ऑन कर लेते हैं पहले तो, और सामने से तो नहीं दिखेगा, ग्राउंड की तरफ देखते हैं हम लोग लेफ्ट वाली साइड में। अब यहाँ पे आप देखो ट्रेन के ये बीच वाले बोगी तक जा रही है ना, बीच वाले बोगी के एंड तक। अब मैं इसको RGB करता हूँ तो करना, तो ये लाइट अब देखना, अब जैसे मैं चालू करूंगा ये करी और ये भी सेम ही है, तो फिर ये मिथ बस्टेड है। हमारा अगला मिथ ये है कि हम लोग घर के इतर वितर स्टिकी बॉम्ब लगा दें तो रियली बॉम्ब घर से भी बड़ा हो जाता है। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मिथ है गाइस, क्योंकि स्टिकी बॉम्ब की तो आदत ही है हर कैसे हो जाना, छोड़ दिया मैंने। तो अब हम लोग इसको इतना बड़ा ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि ये घर से भी बड़ा हो जाए, और मुझे लगता है ये हो भी जाएगा क्योंकि मिथ में अगर लिखा है तो। लेकिन इसका कुछ एंगल होगा गाइस, तो हम ये देखो इतना बड़ा बॉम्ब मैंने अभी तक नहीं देखा, मतलब ये और बड़ा हो सकता है गाइस, ट्राई करते रहेंगे हम लोग, ट्राई करते रहेंगे। ये देखो एक लंबा वाला भी आया, मैंने तो एक इतना लंबा बॉम्ब देखा गाइस जो कम से कम 100 मीटर तक जा रहा था क्योंकि मैंने वो किया था, लेकिन और बड़ा करना है हमें से। ये वाला भी थोड़ा बड़ा है अभी, है ना, ये भी, ओह ये कितना बड़ा है, ये तो यार इसकी बालकनी तक जा रहा है गाइस, ये देखो कितना बड़ा है, और इससे बड़ा होगा ना तो और बड़ा हो जाएगा गाइस, घर से भी बड़ा हो जाएगा ये। ये वाला देखो ये कितना बड़ा है, ये काफी मोटा है लेकिन उसकी हाइट नहीं है ना, हाइट होती तो और निकल जाता, लेकिन हो जाएगा गाइस। मैं मानता हूँ ये मिथ को कि आप करोगे ना, कैसे भी अलग अलग एंगल से डालोगे ना तो पक्के में वो घर से बड़ा हो जाएगा, इसलिए ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की वीडियोस देखने के लिए, और कमेंट कर देना अपने अपने मिथ्स नीचे ताकि हम उनको अगली वीडियो मिले। और मेरी पिछली वीडियो देखनी हो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।